आप लीगल एडवाइस तो फ्री में देते नहीं होंगे, लेकिन आपसे एक ट्रैवल एडवाइस चाहिए जो हमारे दर्शकों के भी बड़ी काम आएगी, क्योंकि आप घूमने के बड़े शौकीन हैं और अभी अभी आप कीनिया से लौटे हैं। तो आपकी लिस्ट में और कौन से देश हैं जहां आप नया डिस्कवर करेंगे, जहां नहीं गए हैं, और कौन से देश हैं जिसको आप रिपीट करने वाले हैं? देखिए, अब काम वाम थोड़ा कम कर दिया, अब घूमने का समय है, तो पूरा लैटिन अमेरिका है, ये ऐसी जगहें हैं जहां जाना है। और अब जो मेरी एक इकोलॉजिकल क्यूरियोसिटी है, जो एक एनवायरनमेंट को देखना, कल्चर्स को देखना, वो अब मैं फुलफिल कर सकता हूं। और मैं बताऊं, दो ट्रिप्स मैंने किए हैं, एक जापान गया था मैं, क्योटो गया 3 दिन के लिए, और जो जापानीज लोगों को मैं कल्चर देखा, जो उनमें डिसिप्लिन है, जो उनमें ह्यूमिलिटी है, ये देख के जो और जो स्पिरिचुअल फीलिंग आती है वहां जाके, तो वो एक बहुत एनरिचिंग एक्सपीरियंस हो जाता है लाइफ का। और अभी मैं हफ्ता भर केनिया में मसाई एरिया में घूम के आया हूं, और सबसे बढ़िया बात वहां के जो लोगों से बात की, लोगों से मिले, और जिस तरीके से ह्यूमन एनिमल को एग्जिस्टेंस है, बहुत उससे ऐसा लगता है कि एक फ्यूचर है इस प्लेनेट का। और निकलने के पहले उन्होंने मुझे कहा कि आप एक पेड़ लगाइए यहां, मैं पेड़ लगाने गया, और एक यंग आदमी था, उसको पूरे स्टेटिस्टिक्स बताते हैं कि केनिया में कितने पेड़ लगाने जाने, कितने मिलियन पेड़ लगाएंगे, ये लगाएंगे, और कहता हम लोगों का कोटा इतने पेड़ों का है। और वो बड़े स्वीटली उसने कहा मुस्कुरा के कि हमने अभी तक तो लिया ही लिया है प्लैनेट से, अब समय आया है कुछ वापस देने का। जी बिल्कुल, जापान के बारे में आपने जब जिक्र किया तो आपने एक वर्ड का यूज किया, ह्यूमिलिटी। मैं समझता हूं कि मेरी भी एक राय है जापान के बारे में, शायद आप एग्री करेंगे, कि एक अच्छा सिटीजन क्या होता है, एक अच्छा हम्बल इंसान क्या होता है, विजडम क्या होती है, स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, ये चीजें, और परफेक्शन क्या होता है, ये जापान बड़े मजे से सिखाता है। इज इट राइट? उसमें दो बातें बताऊंगा संजय, एक तो खाने का शौक है बहुत, तो जापानीज खाने का भी बहुत शौक है मुझे, फ्रेंच खाने का भी बहुत शौक है, बट आई मस्ट टेल यू, सबसे बढ़िया फ्रेंच मील मैंने टोक्यो में खाया है, क्योंकि अगर वो फ्रेंच खाना भी बनाएंगे तो इतने परफेक्शन से बनाएंगे कि वो फ्रेंच लोगों से अच्छा फ्रेंच है। दूसरी बात एक जो मेरे दिल को बहुत लग गई, मैं क्योटो में सुबह सैर करने गया, घूमते फिरते वापस आ रहा था, तो एक ट्रैफिक इंटरसेक्शन पे पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग था, मैंने देखा भीड़ लगी, तो मैं जाके बगल में खड़ा हो गया पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग के, और मैंने फिर लेफ्ट राइट देखा, मैंने कहा ना तो ट्रेन स्टेशन है ना तो बस स्टेशन है, भीड़ क्यों लगी हुई, और बच्चे स्कूल जा रहे थे, वो सुबह का समय था। फिर मैंने देखा ये सब बच्चे एक लाइन में खड़े हैं पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग क्रॉस करने के, तो इतनी शर्म आई मुझे, मैं जाके पीछे खड़ा हो गया सब, और सब क्रॉस कर गए, और लाइट काफी देर तक हरी रहती है पेडेस्ट्रियन के लिए। इस उम्र से बच्चों में ये इंकल्केट किया जाता है कि अगर पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग पे भी जाना है तो लाइन में खड़े हो, एक एक करके जाओ या दो दो करके जाओ, आराम से जाओ, लाइट को देखो, कानून की इज्जत करो, रूल्स की इज्जत करो, इसीलिए वो सोसाइटी इतनी सॉलिड है। वहां जो रूल है वो आपका खिलौना नहीं है, वो जो रूल है उसको आप बड़ी सीरियसली लेते हो, उसकी इज्जत करते हो, अपने देश की इज्जत करते हो, अपने कल्चर की इज्जत करते हो, और ये हम लोगों को अपने देश में कोशिश करनी चाहिए, हमारी यंगर जनरेशन में डेवलप करनी चाहिए।